हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन फ्राई की रेसिपी, वो भी विदाउट कॉर्नफ्लावर, जो कि बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो चलें फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले ही मैंने ले लिया यहाँ पर 500 ग्राम यानी हाफ के जी चिकन, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करने के साथ ही मैंने ऐसे बड़े पीसेस में कट लगा दिए हैं ताकि मसाला इसमें अंदर तक जा सके। तो अब इसमें हम कुछ मसाले मिला लेंगे। सबसे पहले डालेंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ ही में डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया मैंने चिकन मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 पिंच लिया मैंने रेड फूड कलर। साथ ही में डालेंगे 2 टेबलस्पून दही, ये प्लेन दही है, 2 टेबलस्पून डालेंगे बेसन और 2 टेबलस्पून डालेंगे राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। आज का चिकन हम बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है। 1/2 टीस्पून मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर और ये 1 लेमन का जूस। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो स्पून से बराबर मिक्स होगा नहीं, इसलिए मैंने हाथ से मिक्स कर लिया है। हाथ से मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे चिकन में और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रख देंगे साइड पर। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम बना लेते हैं इसके लिए मज़ेदार सी चटनी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ज़्यादा सा हरा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर और साथ ही में लिए ये 5 से 6 हरी मिर्चें और ये 6-7 लहसुन की कलियाँ हैं। ये छोटी हैं इसलिए ज़्यादा लिए हैं, आप 3-4 भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डालेंगे 1/2 लेमन का जूस और 2 टेबलस्पून मैंने डाला है दही। इसको अब बिना पानी डाले हम ग्राइंड कर लेंगे। चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई, बहुत ही कलरफुल आई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। देखिए, देखने में भी अच्छी है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। चिकन को मैं मैरिनेट किए हुए 1 घंटे हो चुके हैं और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर पर मोस्टली मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ होता है, आप अपने हिसाब से कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। चिकन को हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि हमें इसे कुक भी करना है। तो हम ऐसे ही उलट पलट कर इसको हर साइड से फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। एक बार का चिकन फ्राई करने में हमें 10-15 मिनट लगेंगे। इसे हम बहुत अच्छा क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे और अंदर से भी पका हुआ होना चाहिए। तो चिकन में बहुत अच्छा कलर आ चुका है और अंदर से भी कुक हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे मैंने एक छन्ने पर ऐसे निकाला है क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा वो निकल जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। तो चिकन पूरा फ्राई हो चुका है और ये मैंने थोड़ा सर्व भी कर लिया है और साथ ही में निकाल ली है ये कलरफुल सी चटनी और क्रिस्पी सा चिकन, जो कि दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह दोनों चीज़ का कलर देखिए कितना प्यारा है, चटनी भी और चिकन भी। इसको मैं आपको तोड़कर भी दिखाने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।